निशा, सबसे पहले सवाल आपसे ही कर लेता हूँ क्योंकि हाना के शान इनिंग का आगाज करते हैं, लेकिन अब आप इनिंग की जो है पार्टनर हैं इनकी, तो ये मुझे बताइए कि आप शान को ये कहती हैं कि आप जैसा कोई मेरे ज़िंदगी में आया तो बात बन गई, या शान ये कहते हैं आपसे? हम एक दूसरे को कहते हैं नहीं, आई थिंक जनरली अपने पार्टनर्स के को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, और इनमें माशाल्लाह काफ़ी हैं, बट एज ए पार्टनर ये भी उतना ही अप्रिशिएट करते हैं, एंड आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और म्यूचुअल अप्रिशिएशन है। शान, आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप क्रिकेट के अलावा भी ज़िंदगी में कुछ करते हैं तो ये मुझे बताइए, निशा से मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, और आपने इनसे कहा कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाइए, इन्होंने आपसे कहा? आई थिंक काफ़ी टाइम लगा, आसान नहीं था। अच्छा, इनको ढूंढने में या इनको मनाने में? में भी ढूंढना भी किस्मत थी, और जो टाइम पीरियड था उस वक्त जब मुलाकात हुई उसके फौरन एक महीने बाद, दो महीने बाद कोविड आ गया था, तो फिर दो साल तो हमारे एज ए क्रिकेटर जेल में बंद रहे, तो उसमें कांटेक्ट रखना, बात रखना, एंड देन आई थिंक दो साल बाद, ढाई साल बाद पेरेंट्स तक बात बढ़ाई, फिर आई थिंक हमारे स्केड्यूल्स ऐसे थे जिस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम में भी वापस आया था, तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे, एक छोटी विंडो थी जिसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी थी और ये कह भी रही थी वो भी खेलने, शादी भी करनी है, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टाइम था, बट आई थिंक ऑल टुगेदर तीन साल लगे थ्रू अ कॉमन फ्रेंड मिले लाहौर में, और इन 2020 और कोई 2023 जनवरी में जाके चीज़ें सेटल हुई हैं, तो देखें वही कहते हैं ना, किस्मत की बात होती है और बड़े अलग अलग तरीक़ों से ये चीज़ होता है, तो मुझे उस वक्त बिल्कुल वो नहीं था कि मुझे अपना पार्टनर इस तरीके से मिलेगा, बट बड़ी खुशी होती है कि चीज़ें जब आपको लगती हों किस्मत की तरफ से, ऐसी भी चीज़ें आती हैं तो काफ़ी सेटिस्फाइंग। बहुत कैलकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं निशा शान, बहुत सलीके के साथ, करीने के साथ, तो आप तक कैसे पहुँचा ये? इन्होंने ये तो बता दिया कि कॉमन फ्रेंड्स है, लेकिन आप इनसे किस तरह कन्विंस हुई? मैं किस तरह कन्विंस हुई? मुझे ऐसे लगता है कि विद टाइम आपको समझ पड़ जाती है कि एक पार्टनर में क्या क्वालिटी चाहिए होती है। आई वाज आल्सो वर्किंग, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैं जब अपने जैसे आपको थोड़ा जब एक्सपोजर मिल जाता है, जैसे मैं मास्टर्स के लिए गई बाहर, तो आपको लाइफ के साथ एंड एक्सपीरियंस के साथ एक्सपोजर मिल जाता है, आपको समझ पड़ती है कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं, एंड आई थिंक लकीली पेरेंट्स की भी गाइडेंस होती है कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं ना पार्टनर, तो आई थिंक शान माशाल्लाह ने सारे वो बॉक्सेस चेक किए, टिक देम ऑफ, क्योंकि बेसिकली एट द कोर वो बहुत अच्छे इंसान। ज़्यादा बात कौन करता है, आप करती हैं ये शान? मैं अच्छा ये अच्छे लिसनर है कभी कभार। हाँ, बहुत अच्छे लिसनर है, बहुत अच्छे लिसनर है फॉर श्योर, करती तो मैं हूँ ज़्यादा। तो शान ये बताइए कि एक साल हो गया आपकी शादी को, और इस एक साल में पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी बने, तो कभी निशा ने कहा कि इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे थे, देखिए मैं आपकी ज़िंदगी में आई और आप कैप्टन बन गए? काफ़ी रिमाइंड करा है कि जब से मैं आई हूँ तो तीन जगह आपने कैप्टनसी की, PSL में भी, काउंटी में भी, और पाकिस्तान टीम की भी, तो ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, थोड़ी सी इधर उधर कोचिंग भी होती है। इनका सबसे जो नापसंदीदा शॉट है वो स्कूप शॉट है। अच्छा, तो अगर वो खेलते हुए आउट होता हूँ तो कभी कभार उस पर भी वो पड़ता है, लेकिन नहीं, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ब्लेस्ड के एक ऐसा पार्टनर मिला है जो, क्योंकि इसने खुद काम किया है, खुद बहुत, मतलब इसका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा रहा है, ऑब्वियसली शादी की वजह से इनिशियली थोड़ा भी स्टॉप आया है, बट अंडरस्टैंड करती है कि प्रोफेशनल लाइफ क्या है, ट्रैवल क्या है, क्योंकि देखें इसमें ट्रैवल बहुत करना है। अभी हम जब से शादी को 14 महीने हो गए, जब से शादी हुई है, तो हमने टोटल कराची में एक महीना गुजारा हो गया 14 महीनों में, तो आसान नहीं होता ये, अपनी फैमिली से दूर। तो ये मुझे बताएं शान कि आपने कहा कि जब से निशा आपकी लाइफ में आई है तो आप तीन जगह कैप्टन बन गए, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन भी बन गए, बड़े एहसास की बात है, लेकिन घर में कप्तान कौन है? घर में यही है हर जगह की नहीं ये ऐसी भी कोई नहीं है, और ये मैंने याद नहीं दिलाती हूँ, ये मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रही हूँ, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि आप तीन जगह कैप्टन बने, ये ऑब्जर्वेशन है, ये फैक्ट स्टेट कर रही हूँ, ये मेरा मानना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शान जो है वो किताबें पढ़ने का, शान को बहुत शौक है, जब इनको मौका मिलता है तो ये बाहर चले जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, और ऐसा लगता है कि इनकी पहली मोहब्बत तो क्रिकेट है, कभी आपने ये शिकवा किया इनसे? नहीं, आप अंडरस्टैंड करते हैं? मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, ऑब्वियसली आई थिंक जो क्रिकेट परसू करते हैं उसका मतलब है उनका पैशन है ये,
और दुनिया में मेरे ख्याल बहुत चंद लोग हैं जो उस प्रोफेशन में होते हैं जिससे उन्हें बहुत मोहब्बत होती है। लकीली आप शादी से पहले क्रिकेट को या क्रिकेटर्स को कितना जानती थी? मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी। तो शान ने जब आपको बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर मैंने थोड़ी सी एक्टिंग की कि मैंने पहचानती हूँ, मैंने जानती हूँ। अच्छा नहीं जानती थी, आइडिया नहीं था। ऑब्वियसली थोड़े मतलब सरप्राइजिंग था क्योंकि आप अक्सर इस तरह मुलाकात नहीं होती है क्रिकेटर से एंड एवरी डे लाइफ में, तो इंटरेस्टिंग था, बहुत डिफरेंट प्रोफेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था जानना। अच्छा अगर हम शान की अपब्रिंगिंग देखें तो पहली मरतबा मेरी शान से मुलाकात 2007 में हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इमाद वसीम कैप्टन थे, पाकिस्तान ए के साथ आप खेल रहे थे। तो शान को मैंने तब से देखा, बहुत कैलकुलेटेड लाइफ है, बहुत करीने के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो क्रिकेटर हमारे जो हैं वो खेल के अंदर इतना टाइम लगा देते हैं कि एजुकेशन की तरफ कम जाते हैं, फिर उनको ऐसी बीवियां मिलती हैं जो फिर उनको मेंटोरिंग उनकी करती हैं और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन शान मसूद जो हैं वो तो पहले से ही कामयाब हैं, तालीम में भी आगे हैं, कैरेक्टर में भी बहुत आगे हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं मैं कहूँगी तो मैं लकी हूँ बिकॉज मैं लर्न करती हूँ फिर इनसे। अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन माशाल्लाह उन्हें खुद भी इंटरेस्ट है अपने आप को बेटर करने में, बेहतर इंसान बनाने में, बेहतर क्रिकेटर बनाने में। ये इनकी चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एडमायर करती हूँ कि वो बहुत अवेयर हैं कि उनमें कौन सी चीज़ें कहाँ वो इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सी चीज़ इनकलकेट करनी चाहिए अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें जो मैंने इनसे सीखी हैं और होपफुली काफ़ी चीज़ें। तो क्रिकेट आप इनसे कितना सीख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि वो दिल स्कूप अगर गलत बात ऐसे ना करें, मैं आपको कभी नहीं ये गलत ना कहें। अच्छा शान स्कूप शॉट के बारे में बस वो एक मतलब है, एक देखें वो भी कितनी मेरी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि ये हाई रिस्क शॉट नहीं इतना। कुछ क्रिकेट में आपको रिस्क लेना होता है, बट नहीं आई थिंक वेरी सपोर्टिव। आहिस्ता आहिस्ता जितने इसने ऑब्जर्व किया है, लाइफ देखी है, क्योंकि देखें ऑन द फील्ड इतनी लाइफ नहीं होती जितनी ऑफ द फील्ड होती है ऑन टूर जब भी मैचेस हो रहे होते हैं। तो अभी तक बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि वो टाइम साथ गुजार सकें, और उसमें आपको स्विच ऑफ करना, आपकी हर चीज़, आपका हमने बात की है ना, क्रिकेट सिर्फ हमें खेल लगता है क्योंकि जो टीवी पे नज़र आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल में आपकी नींद, आपका खाना, आपका उठना बैठना, और उस सब में जब आपका पार्टनर आता है और उसको चीज़ों में एडजस्ट करना होता है, बल्कि आपको हेल्प करना होता है, साथ में गाइड भी करना होता है, आई थिंक उसमें आप हमेशा ढूंढते हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग। 14 महीने में शान क्या तब्दीली आई ज़िंदगी में? निशा आपकी ज़िंदगी में आ गई, पाकिस्तान टेस्ट टीम के आप कैप्टन बन गए, और क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? पहले सोलो फ्लाइट थी, अब निशे के साथ चलना पड़ता होगा। अब सबसे जो मुश्किल काम लगता है वो लॉजिस्टिक्स का लगता है, बताना लोगों को जो कि भाई ये फ़्लाइट है, वाइफ भी साथ आ रही है, अरेंजमेंट्स करना, आई मीन वो थोड़ा सा चेंज लगता है ऑब्वियसली। बट आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लगता था कि जब भी शादी होगी तो ये ट्रांजिशन काफ़ी बड़ा होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इवन अगर मैं अपने से फैमिली को रखूं, मैंने अपने फैमिली से हमेशा 13 साल की उम्र से मैं अपनी फैमिली से दूर रहा हूं। तो मुझे अकेले रहने में एक मतलब आदतन एक मेरी नेचुरल वो लाइफ बन गई थी अकेला रहना। तो मतलब जब मैं सोचता था कि मेरी शादी होगी तो मुझे मुश्किलात होंगी एडजस्ट करने में, बट आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत लकी हूँ कि इस सेंस में कि एक ऐसी पार्टनर मिली है जिसमें लग ही नहीं रहा कि इसको एक कोई नया एडिशन आया या कोई चीज़ में ज़्यादा कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इन 14 महीने 2 PSL आप खेले, 2 PSL ऑस्ट्रेलिया का टूर आपने किया, फिर आप इंग्लैंड भी खेले, तो मेरा ख्याल है कि ये शिकायत तो इंसान को हो ही नहीं होगी कि आप तैयार होने में बड़ा वक्त लगाती हूँ, क्योंकि ग्राउंड इनका मैच देखने के लिए जाना, इतना तैयार होने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं होती। बस टाइम्स का ज़रूर बोला है, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट में काफ़ी टाइमिंग्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, तो उसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि भाई आप खुद भी और आपकी वाइफ भी लेट ना, आपको दो बंदों को देखना होता है, एक का टाइम नहीं होता, अब दो का टाइम होता है, तो ये एक चीज़ है जिसमें काफ़ी आपको। और इस PSL में गई हूँ, वैसे मैं इतने ज़्यादा मैचेस नहीं अटेंड करती,